नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा। आज पाली भांकरी एसोसिएशन के लोगों ने बुलाया और बड़ा दुख हुआ कि इस सरकार के खिलाफ सरकार सद्बुद्धि युग भी चालू कर रखा है वहां के स्थानीय लोगों ने। और मैं विधायक बनने के बाद से कह रहा हूं, और हमारे नेता राहुल जी बार बार कहते हैं कि सरकार अडानी अंबानी की है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे आए थे उस समय व्यूज रोड की खस्ता हालात को लेकर चर्चा हुई, और ये बहुत दुख और चिंता का विषय है कि रिलायंस कंपनी नजायज तौर पे लोगों से टोल वसूल रही है जबकि सड़क मोटरेबल नहीं है। पहले मैंने पाली चौक से लेकर शरूपुर तक का प्रश्न लगाया, बात उठाई, वहां कुछ काम चालू हो गया, कुछ चालू है, परंतु भाकरी गांव के आगे सैनिक कॉलोनी तक तो आज क्या परमानेंट वहां जमुना जी में किश्ती चला सकते हैं आप? इतना पानी और गड्ढे हैं, सब लोग त्राही माम कर रहे हैं। इसको लेके भी विधानसभा में प्रश्न लगाया था जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम अप्रैल 2023 तक इस काम को पूरा कर देंगे। और बड़ी दुख की बात है कि मुख्यमंत्री जी कई बार स्वयं इस सड़क पे से होके गए हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी भी यहां से होके जाते हैं, मूलचंद जी भी यहां से होके जाते हैं, पूरा भाजपा ही यहां से होके जाती है। हालांकि ऐसा एनआईटी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, परंतु हमारी विधानसभा के रहने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार रिलायंस कंपनी को ताकीद करे, जब तक सड़क मोटरेबल ना हो यहां पर अवैध रिलायंस कंपनी टोल वसूलना बंद करे। और जो मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था उसकी अनुपालना में आज मैंने स्पीकर साहब को, चेयरमैन आश्वासन समिति, मुख्यमंत्री और ACSPWD सबको पत्र लिखा है, और उसके बाद भी सरकार सही राह पे काम नहीं करेगी तो आज स्थानीय लोगों ने मुझे एसोसिएशन वालों ने बोला था हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी के बैनर तले एक संघर्ष की भी तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।